फिर से एक और नई वीडियो में आपका वेलकम है। मैं हूं मिन्हाज मलिक और आप देख रहे हो मीनू व्लॉग्स। दोस्तों मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूं बर्ड फ्लैप के बारे में, और इसके बाद सीधे चलते हैं शॉप में जो कि वहां पे एसरीज और रेडम का काम होगा। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ फदलू भाई की शॉप पर जो कि रॉयल कार एसरीज भरूस में है। इसी के साथ में है परफेक्ट रेडम आर्ट और एक और शॉप है एम्पायर ऑटो केयर जो कि अभिलेश सर की है। यहाँ पे वॉशिंग और यहाँ पे जो सिरामिक कोटिंग वगैरह का काम किया जाता है, और यहाँ पे फदलू भाई की शॉप है जो कि यहाँ पे पूरा एसरीज का काम किया जाता है। और एक बार साथ में है परफेक्ट रेडम आर्ट भरूच में जो कि यासीन भाई की है। यानी तीनों शॉप एक ही साथ में है और एक ही कॉम्प्लेक्स के साथ में है, जो कि आप अगर आते हो तो ये पूरा काम यहाँ पर करवा के जाते हो। एक ही साथ में आपका रेडम का काम हो जाएगा, कार वॉश भी हो सकती है और एसरीज भी आप लगवा सकते हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रोम का काम स्टार्ट कर दिया है जो कि फदलू भाई है जो कि काम में लगे हुए हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे गार्ड भी फिटिंग कर दिया है, स्पॉइलर भी फिटिंग कर दिया है। मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन होने की वजह से मैं वीडियो काफ़ी शूट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए सॉरी गाइज। आप हमारे फैमिली मेम्बर हो, आपसे क्या कुछ छुपाना, जो कि यहाँ पर हमने स्पॉइलर भी लगा दिया है। बैक साइड में हमने गेंदे का ग्राफिक्स, गेंदे जो कि बॉल, आप मत समझना वो गेंद की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि गेंद है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बॉल वो भी हमने यहाँ पे लगवा दिया है। मड फ्लैप पर हमने लिखवा है नवाब, और यहाँ पे परफेक्ट रेडम आर्ट, रॉयल कार एसरीज और एम्प्रोडा केयर। यहाँ पे है जो किट, क्रोम किट जिसमें आपको टेल लाइट, हेडलाइट, फॉग लैम्प, मिरर, मिरर कवर और डोर वाले कवर मिल जाएंगे। एक बार हम आपको पूरा चिपका करके दिखाएंगे किस तरीके से इसका लुक वाइज लग रहा है। अगर कोई बंदा बाहर से आता है तो आप यहाँ पे काम करवा के जा सकते हो। और साथ ही में है रेडम की शॉप, और यहाँ पे जो एम्पायर ऑटो केयर है भरूच में, जो कि यहाँ पे हेडलाइट वॉशिंग, कार वॉशिंग, सिरामिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, सारा कुछ काम यहाँ पर किया जाता है। यानी कि पूरा काम है एक ही दिन में आप करवा सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये मिरर की गार्निश कुछ इस तरीके से दिखेगी। लुक वाइज हम यहाँ पे रूफ भी डलवाने वाले हैं, फॉग लैम्प भी डलवाने वाले हैं, ग्रिल भी डलवाने वाले हैं, बहुत हमें कुछ यहाँ पे काम करवाने वाले हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ग्रिल जो कि एलईडी लाइट में है, इस तरीके से ये सिंगल पॉइंट पर चलेगी, जो पूरी वाइट है। इसका केबल भी आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से एक डीपर पर जल सकती है और काफ़ी अच्छे इसका लुक भी आएगा। एक बार आपको लुक भी दिखाना चाहूँगा ये नाइट में कैसी लगती है, इस पर एक और वीडियो बनाएंगे जो कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे गार्ड हमारा फिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे है ये यासीन भाई जो कि परफेक्ट रेडम आर्ट के ओनर है। यहाँ पे पूरा ग्राफिक्स यही करने वाले हैं, रेडम वगैरह। तो यहाँ पर हमने पिलर को ब्लैक करवाया है और हम यहाँ पर डोर को भी ब्लैक करवाएंगे, साथ ही में बैक साइड में भी ब्लैक हो रहा है, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। इस इको कार पे आप चाहो तो और भी वीडियो बनवा सकते हो, कमेंट करके कि मिन्हाज भाई हमें ये वीडियो चाहिए, इस तरीके का वीडियो चाहिए। क्योंकि हमने इस गाड़ी में वूफर भी लगवाया है, पाइनर का सेट लगवाया, पूरा टच है, एंड्रॉयड नहीं है, टच है जो कि कंपनी में आती है, और साथ ही में पाइनर की स्पीकर है। लुक वाइज क्रोम के साथ
मड फ्लैप के साथ, ये इको आपको कैसी लगती है प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें यार। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो भी ला रहा हूँ तो मुझे भी इस बार अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट किया है, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है। तो अभी एक तरफ आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पे ऊपर रूफ भी लगवाने वाले हैं। ये रॉयल कैर सीरीज एम्पाउडर कैर भरूच और रेडियम परफेक्ट रेडियमार्ट भरूच, जो कि ये सारे शॉप एक ही साथ में है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर स्पेस बहुत बड़ा है, आप मन चाहे गाड़ी लगवा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो और अच्छे से काम करवा सकते हो। परफेक्ट रेडियमार्ट भरूच। मेरा एक और प्लान है जो कि आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है, यहाँ पे हम आईपॉप का नॉक लगवाएंगे, पीछे भी रेडियम का काम ख़त्म होने वाला है। और फ्रंट साइड में हम लगवाने वाले हैं मिरर, जो कि लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और फैशनेबल लगेगा। वैसे तो मार्केट में कई अलग अलग तरीके के मिरर आते हैं, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। अगर आप फदलू भाई से भी मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यासिन भाई का नंबर मिल जाएगा, अभिलेश सर का मिल जाएगा और फजलू भाई का आपको मिल जाएगा। ये सारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कुछ बातचीत भी करके आप सामान वगैरह भी मंगवा सकते हो। और अभिलेश सर से बात करके आप कार वॉशिंग या फिर कुछ भी कोटिंग वगैरह करवा सकते हो। और यासिन भाई से भी रेडियम का ग्राफिक्स का भी आप पूछ सकते हो। ये है यासिन भाई, जो कि एक नीचे से लाइनिंग पूरी बॉर्डर को खींच रहे हैं ब्लैक, जो कि मड से ये काफ़ी सारा डस्ट वगैरह से ख़राब हो जाता है, कलर भी स्क्रैच हो जाता है, तो ये अच्छा लगेगा काफ़ी लुक वाइज। और यहाँ पे हम इस पर लिखवाएंगे रोड राइडर, आप चाहो तो कुछ भी लिखवा सकते हो। ये मिरर भी आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ फिटिंग हो रहा है। इको में आप चाहो तो जितना भी पैसा लगा वो कम है, क्योंकि ये इको गाड़ी में अभी लगभग मैंने काफ़ी सारा पैसा डाल दिया है। तो एक बार आप पूरा वीडियो देख सकते हो किस तरीके से लुक वाइज आ रहा है। तो फ्रंट में हमने ग्रिल को फिटिंग कर दिया है, इको की जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको मैं एक बार चला के दिखाता हूँ। ये आपको लाइटिंग कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 1200 रुपीस के आसपास है, 1250 रुपीस के आसपास है। महावीर कंपनी का गाड़ी है, जो कि अनलीगल है, लेकिन आप लगवा सकते हो। ये है मोबाइल स्टैंड हैवी वाला, दो तरीके के, ये 450 रुपये वाला है और एक 420 रुपये वाला है। तो मुझे ये 420 रुपये 450 वाला लगवाना है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक वाइज बड़ा भी है और काफ़ी अच्छी इसकी कॉस्ट प्राइस भी है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। आप चाहो तो लगवा सकते हो या फिर आप कूरियर भी करवा सकते हो। अगर आप हमारा चैनल नाम लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस वगैरह भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी इको में रेडियम लग रहा है, ये हमने परफ्यूम ख़रीदा है, साथ ही में एक अच्छा सा नेप कपड़ा, जो कि बोलते हैं साफ़ करने के लिए, और एक शोपीस हमने लिया है रबर, जो कि इंग्लैंड के झंडे से काफ़ी इंग्लैंड से लगता है, मैच होता है इसे, आप वही कह सकते हो इंग्लैंड का फ्लैग। मिरर पर हमने और एक और मिरर चिपका दिया है फैशनेबल के लिए। और यहाँ पे हम बैक शीशा है, जो उसे हल्का सा ब्लैक करवाएंगे। वैसे तो कमरे फिटिंग में हमको ये ग्रीन ग्लास मिले है, लेकिन आप हल्का सा ये कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इतना गाढ़ा भी ब्लैक नहीं है, जो कि आपको अनलीगल लगे, नॉर्मल ब्लैक है, क्योंकि मैंने पीछे सिस्टम लगवा रखी है और वैसे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ये। एक बार आप देख सकते हो पूरा वीडियो में किस तरीके से फिटिंग होगा ये, तो इसका वर्क चल रहा है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी है। तो एक बार मैं पूरा आपको दिखाना चाहूँगा रेडियम का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से है। तो हमने यहाँ पर फ्लैग वाला, जो इंग्लैंड का फ्लैग है, वो हमें लगा दिया है, मतलब 100 पीस है भाई, इसलिए लगाया है, वरना कई बंदे बोलेंगे कि आपने इंडिया होके फ्लैग क्यों लगाया। भाई वैसे 100 पीस लगाया है, इसलिए मैंने कोई वो नहीं करा है। तो प्लीज़ यार
संभाल के जो कमेंट करना। यहाँ पे जो सहरीन है ये मेरी भतीजी का नाम है, बड़े भाई की लड़की है सहरीन, और हम ऊपर लिखवाएंगे नवाब, जो कि एक शो लग रहा है। ऐसे हम कोई नवाब नहीं है, बस एक नवाब फिल्म का नाम है, तो मुझे वो पसंद है तो वो मैं यहाँ पे नवाब लिखवा रहा हूँ। ये जो एस इसमें हल्का सा ऑरेंज आएगा ये वाला, ये मॉर्निंग में आपको मैं वीडियो एक बार आएगा तो आपको देखना किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ये जो आई लव माई कार का है हिसाब से, और ये है नवाब, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे बहुत पसंद है ये नाम, हल्का सा छोटा सा नेम, काफ़ी अच्छा लगता है। डोर पे आई लव माई कार, जो कि हमने 6240 इको थी हमने इसमें भी लगवाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो वो मुझे पहले से ही पसंद है। ये है रोड राइडर, जो कि आपको भी पसंद आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिखवा सकते हो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि हम रोड पे चलते हैं भाई, आप सभी चलते होंगे भाई, तो ये रोड राइडर हमने ऐसा लिखवा दिया है। आप चाहो तो रोड किंग, रोड राइडर, कुछ भी लिख सकते हो, रोड इको, आपके हिसाब से आपको जो पसंद हो वो लिखवा सकते हो आप। हमने ऊपर लिखवाया है सुजुकी, एक नोवेल्टी हमने किया है यहाँ पे, एस सुजुकी राइड, और ये फातिमा जो कि मेरी डॉटर है। आपको ये कैसा लगता है प्लीज़ बताना ज़रूर। यहाँ पे सारा जो काम था रेडियम का ख़त्म हो रहा है, लेकिन और भी मेरे आइडिया दिमाग में है, जो कि मैं अगर ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है तो मैं दूसरे पार्ट में बनाऊँगा, और मैं भरूस से एक बार फिर से कल आऊँगा वीडियो के लिए और एसरीज के लिए। तो ये पार्ट आप देख सकते हो, आई लव माई कार ब्लैक, इसके ऊपर एक ऑरेंज की छवि दिखाई देगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमने पहले भी ये काम करवाया था 6240 में, ये 2011 शायद करवाई इसमें भी, और ये वाला काम। आपको क्या लगता है और मुझे क्या करना चाहिए, जो कि हमने सोफ़ा सीलिंग लगवाया है इसके हिसाब से। अच्छा, और एक बात, हमने जो सोफ़ा लगवाया है सीलिंग वाला, इसका क्या मतलब कैसा रहता है, अच्छे से टिक पाता है या कपड़ा वगैरह अच्छा है या नहीं, क्योंकि हमको हमने जब बनवाया था ये मैंने तो मुझे ये बोल के बनाया था कवर कि ये नापा मटेरियल है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये नापा मटेरियल है, तो एक बार मैं चेकआउट करवाऊँगा मेरे दोस्त से कि ये नापा मटेरियल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं हिरल भाई को एक्सपोज करूँगा इस बारे में कि हमने हमसे उन्होंने चीटिंग करी है। अगर ये नापा मटेरियल है तो आप मेरे वीडियो देख के वहाँ पर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ये है कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली मेम्बर को ठगाई नहीं होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए पैसा अगर लेते हो तो। तो यहाँ पे पेट्रोल, यहाँ पे राइड, रात के 11 बज रहे हैं अभी, 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है। यासीन भाई भी थके हुए हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिल से हमने लिखवाया है। मुझे एक और आइडिया यहाँ पे आया कि मैं यहाँ पे डोरवाइज़र पे कुछ लिखा हूँ, आपको क्या लगता है क्या लिखना चाहिए, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। फ़ोन की भी बैटरी भी डाउन है, ये पार्ट भी हमें बनाना है जल्दी से, यहाँ पे भी हम दिल से लिखवाएंगे। लुक वाइज ये को काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी पैसा हमने यहाँ पे डाल दिया है। और भी वीडियो आएंगी इसी को कार पे, जैसे कि कौन सा वूफर है, कौन सी स्पीकर है, कौन से एम्पलीफायर है, कौन सी हमने इसकी गाड़ी की जो सीक्वेंस है सीएनजी में डाली है, इसकी एवरेज के बारे में वीडियो बनाना है। आप चाहो तो कुछ भी कमेंट करके बोल सकते हो कि मैंने वह हमें ये वीडियो चाहिए, ये इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रहा है, तो वैसे भी मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ आपसे, प्लीज़ माफ़ कर देना ज़रूर। तो ये देखो हल्का सा ब्लैक मिरर साइड, ब्लैक ग्लास कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पे और भी वर्क चल रहा है, टाइम हो रहा है 10:20, सॉरी मैंने 11:30 बोल दिया। अच्छा, परसेंटेज 11 थी इसलिए मेरे ख्याल से 11 रह गया, 10:30 हो रहा है अभी। और भी मुझे काम करवाना है, कटिंग हो रही है इनकी, और एक शॉप है सुफियान भाई की और ये यासीन भाई की। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में।
थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।